खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल में कल होने वाले चुनाव को लेकर कलेक्टर सुधामा खेड़े और DIG इरशाद वली ने चुनाव की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए जानकारी देते हुए बताया कि कल 12/5/2019 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टियां रवाना की गई हैं, जिसमें 2253 हमारे मतदान दल रवाना हो रहे हैं, जिसमें 10% रिजर्व रहेंगे। मतदान केंद्र पर मतदान के लिए और सभी पार्टियों के लिए पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सभी तरह की बेसिक सुविधाओं की तैयारी भी की जा चुकी है। यहाँ की सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए कम्युनिकेशन प्लान, वेबकास्टिंग, CCTV कैमरे और पुलिस की पूरी व्यवस्था लगाई जा चुकी है, जिससे भोपाल का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 3000 गाड़ियां जाएंगी। जिन गाड़ियों में EVM मशीन जाएगी उनमें GPS सिस्टम लगवा दिए गए हैं, जिससे उनकी ट्रैकिंग की जा सके। हम लोगों के जो 2253 पोलिंग बूथ है वो 873 पोलिंग लोकेशन पे फैले हुए हैं। इन सारे लोकेशन पे हम लोगों ने अपनी एनालिसिस पे, कैंडिडेट की वरी लिस्ट के एनालिसिस पे करीब 172 पोलिंग लोकेशन को सेंसिटिव माना है। सब जगह CPMF डिप्लॉइड है और इसके अतिरिक्त जो है बाकी QRTs हैं, सेक्टर पुलिस मोबाइल्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, हमारे नाके हैं, इन सबको मिला करके करीब 7200 लोग जो है डायरेक्टली डिप्लॉइड हैं और जो हमारे रिजर्व हैं उनको इसके अतिरिक्त जो है करीब 800 लोग अतिरिक्त जो है वो सेक्टर पुलिस मोबाइल और डायल 100 की व्हीकल्स में हम लोगों ने इनहांस किया है। तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है भोपाल पुलिस की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से। हम लोग का यहाँ की जनता से कहना है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी, निर्भीक होकर के और बिल्कुल अच्छी तरह से वोट करें। किसी तरह को कोई भी असुविधा आए, कंट्रोल रूम्स के हमारे नंबर्स और जो हमारा जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं सारे भी हम आज डिस्प्ले आपके माध्यम से भी कर देंगे और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। जो जहाँ पे हमारे एनालिसिस के ऊपर और कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट के ऊपर अगर किसी लोकेशंस को हम लोगों ने अति संवेदनशील माना है, ऐसे लोकेशंस पे हम लोगों ने CPMF डिप्लॉयड किया है। नॉन CPMF मेजर जैसे वेबकास्टिंग है, CCTV डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे, या SMS मॉनिटरिंग है या माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, सब जगह को अकाउंट में लेकर के हर जगह पे डिप्लॉय किया है। 9 कंपनी है CPMF की, इसके अतिरिक्त SAF की कंपनियां हैं, इसके अतिरिक्त जिला पुलिस बल जो है वो 2253 पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉयड है। SPO पूरे 2253 पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉयड है। तो कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहां पर कि जिसको जो है मतलब बहुत ही कम जहां पे व्यवस्था रखी गई हो, सब पे पुख्ता इंतजाम। भोपाल संसदीय क्षेत्र में कल चुनाव होने वाला है सुबह 7 से शाम को 6 के बीच। इसी के आज यहाँ से पार्टियां रवाना हुई हैं अपनी पूरी सामग्री लेके। 2253 हमारे मतदान दल रवाना हो रहे हैं, साथ ही 10% हमारे रिजर्व रहेंगे। मतदान केंद्र पे मतदाताओं के लिए एवं पोलिंग पार्टीज के लिए सुविधा और सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं और साथ ही बेसिक जो सुविधा है उसका भी तैयारी की जा चुकी है। यहाँ की सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए भी कम्युनिकेशन प्लान, वेबकास्टिंग, CCTV कैमरेज और पुलिस की पूरी व्यवस्था लगाई जा चुकी है ताकि भोपाल का चुनाव निर्भीक, शांतिपूर्ण एवं क्रेडिबिलिटी के साथ हो सके। गाड़ियां बहुत पर्याप्त संख्या लगी हुई है, लगभग 3,000 से 3,500 गाड़ियां अलग प्रकार की लगी हुई है यहाँ पर। और इस बार हमने जो EVM लेके जाने वाली गाड़ियां हैं उसमें सभी में GPS लगवाया, जिसको हम ट्रैकिंग करवा रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।